अरे आपसे तो मेरी आवाज तेज है, तो आप क्या जान सकते राजकुमार जी को जी जाओगे? पंडाल हिल जलाती है, जय जवान। आप सबके बीच में सागवाड़ा विधानसभा से वासुदेव परजोट पार्टी को छोड़ के बम पार्टी में शामिल हुआ हूं, वो भी किस लिए? राजकुमार जी के हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए। मैंने देखा कि ये आदमी अपने समाज के लिए कुछ कर सकता है, नहीं तो बीजेपी कांग्रेस तो 75 साल से मजा ले रही है अपना। लेकिन मैं तो ये कहता हूं, मैं अगर बीजेपी पार्टी को छोड़ के बाप पार्टी में शामिल हुआ तो आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में जो भी भाई बीजेपी और कांग्रेस को वोट देता है उसको अपने साथ में जोड़ना है, ये आप सबसे कहता हूं मैं। और वो भी साथ में क्यों ले रहा है कि आज दिन तक कोई भी विधायक सांसद जीत के गया अपने एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी की बात कभी नहीं उठाई है, और आज अगर वो बात उठाई है तो वो उठाने वाले राजकुमार जी पहला आदमी मिला है अपने को। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप गांव गांव घर घर जाके ये बात उठाओ कि हमारे जैसा अगर कार्यकर्ता बाप पार्टी में शामिल आदिवासी पार्टी में शामिल होता है तो बहुत बड़ी बात है। आप सब मुझे जानते हो, मैं भी टिकट का लेवल जाता लेकिन मैं उसको ठोकर मार के बाप पार्टी में शामिल हुआ। आप सबका सहयोग चाहिए, इसी तरह आपको राजकुमार जी को, मतलब पूरे इंडिया में पहला सांसद जीत के जाए ऐसा रिकॉर्ड अपने यहाँ से बनना चाहिए, ये मैं आप सबको देना चाहता हूँ। और वो जीत के जाएंगे अपनी बात भी उठाएंगे और अपने हक अधिकार का हक अधिकार अपने को लेके अपन को देंगे, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। मुझे विश्वास है इसलिए मैं इसके साथ जुड़ा, और पहला आदमी मिला इसलिए मुझे अपने आदिवासी समाज चार जातियों की जो बात उठाने वाला आदमी पहला राजकुमार जी मिला, इसलिए मैं इनसे कामों से बातों से इनके कामों से मैं प्रभावित हुआ और इनके साथ जुड़ा मैं। तो आपके गांव गांव घर घर यही बात कहनी है, आस पास पड़ोस में किसी के भी वोट किसी भी पार्टी में नहीं जाना चाहिए और बाप पार्टी में आना चाहिए, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ। और आज बड़ी तादाद में बागीजना से आता हुआ मैं आया, मैंने जिंदगी में पहली बार बीएपी भाजपा की और कांग्रेस की रैलियों में गया, लेकिन ऐसी रैली मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है जो कि आज पूरे पाप का भी बता दिया है। कहने के लिए तो हंसाने के लिए सब कुछ है मेरे पास मित्रों, लेकिन मेरे पास तो दो दो चिट्ठी आ गई है, इसलिए मैं आज यही विराम देता हूँ। जय जोहर।